गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, दिस इज राज कमल। गाइस, आज जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपके वीडियो एसएससी जेई के रिगार्डिंग बनाया था कि आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कितने मार्क्स का आते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, उसके बाद फिर थे आपके कि किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, पर क्वेश्चन कितने आते हैं, एक क्वेश्चन है उसमें सब सिस्टम कितने मार्क्स के होते हैं, तो ये सब मैंने डिस्कस किया था। और उसमें काफ़ी कमेंट्स भी देखने को, कैलकुलेटर के रिलेटेड डिस्कस किया। इसमें कई बच्चों ने ऐसे भी डिस्कशन किए हैं मेरे से कि एक्चुअली सर, क्या CPWD में जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिकल बीटेक वाला है कि नहीं, उसमें एडवर्टाइजमेंट में कुछ कन्फ्यूजन्स थे जो अक्सर बच्चों को ये देखने को मिल रहा था। इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक पहले वीडियो मैंने बना रखा था कि क्या CPWD में बीटेक वाले एलिजिबल है या नहीं, तो उसके वीडियो हैं ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट के अंदर, आप जाके देख सकते हो, या इसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, उसके बाद फिर देखने को मिला कैलकुलेटर, यानी मैंने कई बार बोला आप लोगों से, इससे पहले RRB का जब कटअप की रिगार्डिंग डिस्कस हुई थी तब भी मैंने कई बार बोला था इसके रिगार्डिंग, कि कैलकुलेटर की रिगार्डिंग जो मैं बोला कि ऐसे हर कैलकुलेटर, मैंने MS 100 के बारे में आपसे बोला, अगर ये आपके पास है तो एक नॉर्मल कैलकुलेटर है, उसमें हर एक चीज का एप्लीकेशन होता है, लेकिन जब आप बात करते हो SSJEE में, तो कोई बोल रहा है F999 999 FX, ये दिस दैट, बहुत सारे कैलकुलेटर का नाम बता रहे हैं। इतने कैलकुलेटर तो हमने भी नहीं देखा, और कोई बंदा क्यों कैलकुलेटर का इतना एप्लीकेशन करे, कोई दुकान तो है नहीं। तो एक्चुअली क्या है, आप समझिए बातों को, उन कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं जो आपका मिनी कंप्यूटर टाइप नहीं हो, मैं पहले भी बोला था, जो आपकी मेमोरी डाटा को सेव नहीं कर सकता, यानी ऐसा नहीं कि बहुत सारे डाटा को यहां से सेव करके ले गया, वहां पे जाके उससे चेप रहे हो, लिख रहे हो, क्लियर ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो, चाहे वो किसी टाइप का कैलकुलेटर है, क्लियर ना। और MS 100 क्योंकि मैंने यूज़ कर रखा था बहुत पहले 2013 में भी, तो उसके रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि उससे कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, क्लियर ना। चलिए, अब जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि जो पेपर है, इन पेपर में स्पेशली मैं यहाँ पे देखिए, मैं सिविल के बंदे के थ्रू भी आपसे सिविल का डिस्कशन कराऊंगा, पर यहाँ पे जो कट ऑफ है उसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लूँगा। कई बंदों ने कटअप का जिक्र किया है, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा, कितने के लिए आप मेंस में फाइट करने के लिए जा रहे हैं, कितने स्कोर है सेफ आपके लिए स्कोर होगा, और साथ में इलेक्ट्रिकल के लिए मेंस में जो आप प्रिपेयर करोगे वो आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे, किन किन सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है आपको। कई बच्चों ने अब ये भी कमेंट तक कर देते हैं कि सर कितने पेज लिख रहे हैं, कितने नंबर्स के लिए, एक क्वेश्चन को कितना पेज लिखना है, क्योंकि जबकि मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ कि आपके पास 2 घंटे का टाइम है, 5 क्वेश्चन बनाने हैं, और 5 क्वेश्चन के अंदर जो है, हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के अंदर 4 सबसिस्टम दे रखे हैं, सब कुछ बनाना है, तो आप सोचिए 5 × 20 यानी 20 क्वेश्चन है, और टाइम 2 घंटे यानी कितना हो गया, 120 मिनट और 2 घंटे, क्लियर ना। तो ये भी स्ट्रेटजी आपको देखना पड़ेगा कैसे आप इस चीज को अटेम्प्ट करें, क्लियर। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करता हूं मैं आज। एक चीज, पहला कटअप वगैरह के बारे में, कि कहाँ तक आपका सेफ स्कोर रहेगा, कटअप बताना तो बड़ा डिफिकल्टीज होती है एग्जैक्ट, पर हाँ, किस स्कोर के बाद अगर आपका सेफ स्कोर होगा, जहाँ से आप प्रिपेयर करें अच्छे से फाइट कर सकते हैं, वहाँ पे चीज़ें जो है वो, उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे कि किस स्कोर तक आप अच्छे से मेंस की तैयारी करें। और कोई बच्चा बार बार मेंस के लिए करता है, अगर कोई किसी का 118 ही आ रहा है, क्या दिक्कत, अगर आप मेंस के लिए फाइट करते हो क्या वो काम नहीं आएगा आपको, वो काम आएगा। जस्ट 2019 का जो SSC है वो मार्च में शेड्यूल हो चुका है, SSC ने पूरा कैलेंडर JEE का आपको दे चुका है, 2021 तक का कैलेंडर जारी कर चुका है, जिसका भी मैंने मेरी वीडियो बना रखा है ना, तो 2021 तक का कैलेंडर जारी कर रखा है, तो आपको कहाँ जा रहा है, यानी आप अगर कभी पढ़ भी ले रहे हो यहाँ पे 118 में, ऐसे भी बैठ के टाइम निकल रहा है, कभी इस चैनल, कभी उस चैनल, कभी ये, कभी दिस दैट कर रहे हो, उससे बेटर है कि आप इस चीज़ को अडॉप्ट करें, यानी आपके जो मेंस की प्रिपरेशन है उसको जारी रखें। तो कहाँ तक आपका सेफ स्कोर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि बहुतों के ये कमेंट्स हैं कि किस में कितना लिखना है, लिखने का कितना तरीका है, मैंने लास्ट वीडियो में SSC JEE के रिगार्डिंग बता दिया पैटर्न स्ट्रेटजी में कि कितना लिखना है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, कितना पेंसिल का यूज किस तरीके से करें, क्वेश्चन को किस तरीके से मार्क करें। चलिए आइए मैं दिखाता हूं अब क्वेश्चन में, हमारे लिए मेंस में जो है, जो मैं यहां पे मेंस का जो पेपर यहां पे लिखूंगा, अगर आपने आपका पेपर होता है, अगर आप फाइट कर रहे हो मेंस के लिए, तो मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट होंगे और किसको किसको आपको अच्छे से देखना है। तो चलिए मेंस के अकॉर्डिंग एक्चुअली करना क्या है, मेंस मैंने जैसे पहले डिस्कस किया था और बोला था कि आपको बाद में मेंस की रिगार्डिंग और भी चीज़ें डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो जो वीडियो थे उसमें सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए कॉमन थे, अब मैं इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशली वीडियो जो बना रहा हूँ, तो मेंस के लिए जो सब्जेक्ट होंगे आपके, जो इसका सब्जेक्ट है वो किन किन सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि
क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है। आपको अगर क्वेश्चन देखना है तो 2016 और 17 का क्वेश्चन एक चैनल के अंदर इसी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बता रखा हूँ, उसका भी होगा तो प्लेलिस्ट दे दूंगा। तो क्वेश्चन जरूर आप देखें किस तरीके से पूछ रहा है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपने प्लानिंग जरूर करें। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन सबसे पहले जो है वो होना चाहिए आपका सर्किट थ्योरी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे जिस तरीके से प्री के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है टायर वन के, उसी तरीके से टायर टू के अंदर भी सर्किट थ्योरी। नेक्स्ट दूसरा जो होना चाहिए आपके टारगेट वो होना चाहिए मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन स्टेप देखें तो पावर सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं थ्योरेटिकली हैं, उसमें भी क्या क्या पढ़ना है उसको भी हम देखेंगे। मेजरमेंट और पावर सिस्टम का रूल वही रहता है, तो पावर सिस्टम मैं यहां पे लिखता हूं पावर सिस्टम। एंड नेक्स्ट वन अगर डिस्कस करूं तो हमारा टॉपिक होगा मेजरमेंट, मेजरमेंट इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। और यूटिलाइजेशन के बहुत कम सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में अर्थनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो अर्थिंग के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत लैंप के रिगार्डिंग अगर देखना है तो आप देख सकते हो। तो मैं यूटिलाइजेशन हालांकि लिख देता हूं, बहुत कम पूछने को पूछता है ये, प्री में तो पूछ भी लेता है मेंस के अंदर, बहुत कम देखने को मिलता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर। अब यहां जो ये सब्जेक्ट है आपके इलेक्ट्रिकल में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, इनमें सर्किट थियोरी का डेरिवेटिव जिस तरीके से प्री के अंदर होता है टायर वन में, वैसा ही यहाँ पे टायर टू में भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए, किस तरीके, देखिए प्री के लिए जो आपने तैयारी किया है, आपने जो प्री के लिए तैयारी किया है वैसा ही तैयार रखें, क्योंकि सर्किट थ्योरी में ज़्यादा थ्योरी पूछने लायक चीज़ें नहीं होती। आप MMF क्या होता है अगर मैग्नेटिक सर्किट में वहाँ देखते हैं, जो वीडियो मैंने पूरा सर्किट थ्योरी का तो 40-45 वीडियो बना रखा है, आप उसको देखें, तो कहीं से प्री और मेंस में नहीं रुकने वाली चीज़ें। पर फिर भी अब करना क्या है, चूंकि आपको डिस्कशन करना होता है कि किस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो जैसे पूछता है रिजोनेंस क्या होता है, रिजोनेंस के कंडीशन चाहे सीरीज हो पैरेलल हो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है जिस तरीके से आपने प्री में दिया है वैसे ही मेंस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं आती, थेवेनिन से क्वेश्चन उठ के आ जाता है, थेवेनिन थ्योरम से। उसके बाद आपको आ जाता है किसी नोडल एनालिसिस से सॉल्व कीजिए थ्योरम्स को, क्वेश्चन को, तो ये आ जाते हैं। सीरीज पैरेलल जो AC एनालिसिस होते हैं उसमें आप देखते हो, यानी RLC सर्किट का, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलता है वहां पे। दूसरी बड़ी बात, किस क्वेश्चन को कितना लिखना है, अब ये भी एक बार डिस्कस साथ के साथ कर दूं तब इन क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करता हूं। देखिए आपके पास टाइम है 2 आवर एग्जाम को करने के लिए, जिसमें मिनट बनते हैं 120 मिनट। आप ही सोचिए कि किस क्वेश्चन को कितना लिखना है, आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा। 120 मिनट है, टोटल क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन का सेट है, और हर एक क्वेश्चन में 4 सबसिस्टम मिलेंगे। क्वेश्चन एक में 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4A 4A, जैसे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ टोटल 5 क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी एक का A, एक का B, एक का C, एक का D, यानी 4 क्वेश्चन मिला, एक में 4 मिल गए, तो टोटल 5 × 4 कितने हो गए आपके 20 क्वेश्चन हो गए। आप सोचो 120 मिनट टाइम मिल रहा है आपको, और आपके पास 120 मिनट में क्वेश्चंस कितने हैं 20, तो अगर आप डिवाइड भी करते हो यहाँ पे कि एक क्वेश्चन में ऑन एवरेज कितना टाइम देना चाहिए और कितना आप लिख सकते हो उतने टाइम में, आप खुद जज करो, आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ से अगर आप करते हो 20 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो यानी कितना 6 मिनट आपके पास एक क्वेश्चन को 6 मिनट देने के लिए है। क्लियर ना, एक क्वेश्चन को 6 मिनट देने के लिए है। तो इस तरीके से आप कैसे अटेम्प्ट करो, आप कैसे सोच सकते हो कि यानी आप बुक के डिमांड किए जा रहे हो, ये बुक ये वो कौन से बुक से पढ़ें, एक क्वेश्चन को 6 मिनट में लिखना है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए आप एक क्वेश्चन का एलिमिनेट भी करेंगे नहीं आप लिख पाएंगे, या 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो 6 से 7 मिनट 8 मिनट मिल सकता है एक क्वेश्चन को लिखने के लिए, तो आप बुक के पीछे कहाँ से भागे जा रहे हो। इसीलिए मैं पहले भी बोला था आपसे कि आप क्या करो, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसको उठाइए, 2007 से 2018-17 तक जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिखे आपको उसको आप उठाइए, पहले उसको बनाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। बुक के पीछे इतने नहीं भागना, फिर भी मैं कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बता दूंगा आपको, पर ये टारगेट रहे कि एक क्वेश्चन के पे आपके एवरेज 6 से 8 मिनट बचता है। अगर आप सब 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 6 मिनट ही बचता है।
इसमें आपको एडवांटेज कौन देगा, मैं बताता हूँ किस तरीके से एडवांटेज आपको मिलता है। सर्किट थ्योरी में जो न्यूमेरिकल पार्ट पूछता है, जैसे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को न्यूमेरिकल पूछ दिया, या थेवेनिन के थेवेनिन ज़्यादातर पूछता है, तो थेवेनिन का अगर पूछ दिया तो थेवेनिन में आपको लोड करंट निकालने के लिए बोलता है, या VTH RTH निकालने के लिए बोलता है। ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हो, आसानी से निकालते हो, तो वहाँ 4 से 5 मिनट में अच्छे से निकाल लेते हो। लेकिन उसी क्वेश्चन का आपको 15 मार्क्स मिलते हैं और 20-20 मार्क्स दिए जाते हैं, ये रेशियो रहता है वहाँ पे क्वेश्चंस का, है ना। तो आप ये देख लेना कि पैटर्न किस तरीके से क्वेश्चंस का होता है, क्वेश्चन जरूर देख के जाना है, क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर्स को जरूर पढ़ना है, ये आपके दिमाग में रहे हमेशा। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, सर्किट थ्योरी में अलग से कुछ भी नहीं करना, जो भी मैंने पूरा थ्योरी कराया हूँ, यानी सर्किट थ्योरी स्टार वन के लिए, तो वहाँ 1 से 45 वीडियो, हर वीडियो लगभग आधे घंटे का है, 45 वीडियो को एक बार देख जाइए, कहीं से कुछ नहीं बचेगा। जो भी थ्योरिटिकल चीज़ें होंगी वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल होंगी वो भी अच्छे से होगा। न्यूमेरिकल भी मैंने SSC JEE, क्योंकि ये बैच जो है मैं स्पेशली SSC JEE के लिए लाया था, जो आपको यूट्यूब पर मैंने क्लास लिया था, ESC के क्लासेस जो लेता हूँ मैं वो अनअकेडमी के अंदर में लेता हूँ, क्लियर ना। तो ये स्पेशली जो है SSC JEE के लिए मैंने आपको बताया था, क्लियर ना, और पूरे कोर्स को SSC JEE के लिए मैंने बनाया था सर्किट थ्योरी का। टाइम मिले तो मैं मेजरमेंट का भी करूंगा, पावर सिस्टम का भी करूंगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद मैं मेजरमेंट को अटेम्प्ट करूं, क्लियर। अब यहां पे देखिए सर्किट थ्योरी की बात जब करूं तो सर्किट थ्योरी में किन किन टॉपिकों को आपको अच्छे से कर लेना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ किए जा रहे हैं। तो सर्किट थ्योरी में जो मेजर टॉपिक होगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्लियर, उसके बाद थ्योरम्स, थ्योरम में भी ऐसा नहीं कि सारे थ्योरम्स को पढ़े जा रहे हैं, नहीं, मेन है थेवेनिन, नॉर्टन को देख लीजिए, अगर थेवेनिन आएगा तो आपको नॉर्टन अच्छे से आ जाएगा, नॉर्टन के बाद आप देखो फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, क्लियर ना, उसके बाद सुपर पोजिशन को थोड़ा देख लो, अगर उसका पूछता, क्योंकि सुपर पोजिशन तो बहुत आसान होते हैं, तो सुपर पोजिशन को आप देख लीजिए, और थोड़ा बहुत देखना है इससे आगे तो मिलमंस वगैरह थोड़ा सा देख लीजिए, अदरवाइज नहीं देखिए, इसी में से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और सुपर पोजिशन थ्योरम या फिर थेवेनिन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी 3 से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, हर साल का प्रीवियस क्वेश्चन आप चाहे तो देख सकते हैं, क्लियर ना। तो और यहाँ पे तो सर्किट थ्योरी का ये रहा, यानी सर्किट थ्योरी आपको क्या क्या करना है आप ध्यान रखें, बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स, AC एनालिसिस, उसके बाद आप जाओगे मैग्नेटिक सर्किट, क्लियर। ट्रांजेंट और अर्जेंट छोड़ दीजिए, लॉन्ग पड़ेगा, अगर आपसे बन पाता है तो बनाइए, नहीं तो ट्रांजेंट का भी मैंने कराया हूँ, क्योंकि प्री के अंदर आपसे अब तक टाइम कॉन्स्टेंट ही पूछा है, एक बार ट्रांजेंट का प्री यानी टायर वन में, ट्रांजेंट 2016 के अंदर एक बार टायर वन में ट्रांजेंट को क्वेश्चन पूछ दिया, उसके बाद ट्रांजेंट का क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है। तो अब ये चीजें रहा कि सर्किट थ्योरी में कौन से 4 चैप्टर पढ़ने हैं, वो मैंने आपको डिस्कस किया, क्लियर ना। आप चाहें तो इसको अच्छे से कर सकते हैं, पहले प्रीवियस ईयर बनाइए, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो जाके वीडियो लेक्चर में पूरा वीडियो को देखिए अच्छे से, क्लियर। आई होप कि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी डॉट नहीं बचेगा आपका। नेक्स्ट मशीन, मशीन की बात करें तो मशीन तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपका कोर सब्जेक्ट है, पर याद रहे मेंस के अंदर भी सबसे ज्यादा सर्किट थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछेगा, रेजोनेंस क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होते हैं, बैंडविड्थ क्या होता है, थ्योरेटिकल पावर कैलकुलेशन क्या होता है, रिएक्टिव पावर कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन कैसे होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आप हालांकि रिएक्टिव पावर कंपनसेशन को आप पावर सिस्टम में भी डाल सकते हो, पर अगर सर्किट आपका अच्छा है तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनसेट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, क्लियर ना। तो सर्किट के अंदर बहुत चीज देखने को आपको मिल जाता है। यहां से जब जैसे मैं सर्किट थ्योरी से आगे बढ़ूंगा, मशीन में आप देखिए, अगर प्री के क्वेश्चन देते हैं, यानी प्री यानी टायर वन का एग्जाम देते हैं मशीन का, यानी CGI JEE SSC JEE का, तो वहां पे क्या होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन बहुत देखने को आपको मिलता है ना, लेकिन यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, फिर भी आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मर को देखना है, ट्रांसफॉर्मर मटेरियल से रिलेटेड भी इसका कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ना। एक चीज और ध्यान रहे, सर्किट थ्योरी में रेजिस्टेंस रिलेटेड मोस्टली कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस को मैं ज्यादातर फोकस करता हूँ ना, तो रेजिस्टेंस का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है मशीन में देखिए ट्रांसफॉर्मर के बाद DC मशीन, ये सबको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये तो एकदम डेप्थ में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एकदम पूरे गहराई में पढ़े जा रहे हो, वार्ड लियोनार्ड मेथड को बहुत अच्छे से पढ़े जा रहे हो, ज्यादा नहीं है उसमें, क्या है जो भी मैंने प्री के अंदर कराया है आपको क्लास के अंदर, क्लास नोट में, जिन्होंने क्लास अटेंड कर रखा है, जिन्होंने नहीं किया, जो इन्होंने जहां भी पढ़ा है उन्होंने क्लास नोट्स में जितना कराया है, 6 से 8 मिनट टाइम मिल रहा है एक क्वेश्चन पे, तो जो भी किया वो प्रॉपरली अगर लिख दो तो वो सफिशियंट है करने के लिए, और एक क्वेश्चन को लिखने के लिए आप ही सोचो कि 32 का पेज मिलते हैं आपको लिखने के लिए, और 20 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन पे कितना डिवीजन आएगा आप खुद ही सोच सकते हो लाइक अ इंजीनियर, क्लियर। तो इस तरीके से आपका DC मशीन होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं
थ्री फेज इंडक्शन मशीन पढ़ लीजिए, इसमें थ्री फेज जनरेटर के बारे में पढ़िए, थ्री फेज मोटर पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सिंक्रोनस जब पढ़ेंगे तो सिंक्रोनस जनरेटर भी पढ़ लीजिए और थोड़ा सा सिंक्रोनस मोटर की रिगार्डिंग भी डिस्कस कर लीजिए वहाँ पे, क्लियर ना। तो इंडक्शन का जनरेटर पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं होती, इंडक्शन मोटर पढ़िए थ्री फेज का, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस का जनरेटर के बारे में थ्री फेज का, फिर सिंक्रोनस का मोटर के बारे में पढ़ लीजिए, दो चार पेज में निपट जाएगा सिंक्रोनस मोटर, है ना, ज़्यादा कुछ उसके अंदर है नहीं। ये रहा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, अबाउट जरूर जानिए कि वो जो आपका ओवरहेड फैन होता है सर के ऊपर, जो फैन लगे होते हैं सीलिंग फैंस वगैरह, इसमें किस टाइप का कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे स्टार्टिंग मेथड, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका एक बार डायग्राम वगैरह देख लीजिए। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था आपको कि डायग्राम देना जरूरी है, किसी भी क्वेश्चन को अगर अटैम्प्ट करते हैं तो डायग्राम, थोड़ी थ्योरी, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू अगर डालते हैं तो वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन किसी भी एग्जाम में वही चीज़ें होती है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, मशीन से रिलेटेड टर्म हमने ये डिस्कस किया आपसे, क्लियर। इन चीज़ों को मशीन में आपको फोकस करना है, क्वेश्चन जरूर देख के जाना है, आपको याद रहे 2007 से 2016-17 तक के क्वेश्चंस को, अभी तक जो भी मेंस हुए हैं, क्वेश्चन एक बार देखिए, आपको अंदाजा उठ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। चलिए, पावर सिस्टम में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, पावर सिस्टम हालांकि बहुत टफ होते हैं, पर पावर सिस्टम में हर कुछ नहीं पढ़ना, सेसी के लिए सबसे आसान है, गेट में जाएंगे तो एक एक चीज स्टेबिलिटी इतना परेशान आपको करेगा जिसकी कोई हद नहीं है, पर यहाँ पे जो है बहुत सीमित दायरा है पावर सिस्टम का SSC JEE के अंदर, क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है मैं इस पॉइंट को आपको बता दूँ, लाइन पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए टी मॉडल पाई मॉडल जो होता है उसके बारे में पढ़ लीजिए, हालांकि इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी देखने को मिलता नहीं है, पर उसको पढ़िए, क्लियर ना। वो पढ़ने के बाद आप इंसुलेटर के बारे में पढ़िए, इंसुलेटर में भी जो कैपेसिटेंस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इंसुलेटर के वैल्यू किसका कितना इंसुलेटर होगा, दो प्लेट, चार प्लेट, डिस्क करस्पॉन्डिंग जो होते हैं वहाँ पे, सी सी डैश वगैरह जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये ध्यान रहे। तो वो सब जो कैलकुलेशन होता है डिस्क का, वो कैलकुलेट कर लें आप जरूर, क्लियर। पावर सिस्टम में हमने क्या बोला, पैरामीटर कैलकुलेशन, उसके बाद इंसुलेटर के बारे में थोड़ा पढ़ लें, केबल के बारे में पढ़ लें, केबल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोटेक्शन जरूर पढ़ें, प्रोटेक्शन के भी कई बार पूछते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, प्रोटेक्शन क्या होता है, मर्ज प्राइस क्या होता है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्या होता है, इंटर टर्न प्रोटेक्शन क्या होता है, तो प्रोटेक्शन से रिलेटेड पूछता है, रिलेज के रिलेटेड पूछ देता है, महो रिले, वखोज रिले, ये सब के बारे में पूछता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको पढ़ना पावर सिस्टम के अंदर, ये ध्यान रहे। यानी प्रोटेक्शन में सब आ गया, सर्किट ब्रेकर और रिले से रिलेटेड टर्म्स, और यहाँ जो है केबल, इंसुलेटर और HVDC वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से आप टर्म को देख लीजिए। स्टेबिलिटी वगैरह, राइट एंगल ट्रायंगल क्राइटेरिया वगैरह आपको नहीं पढ़ना पावर सिस्टम में, इसलिए ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती है पावर सिस्टम में। इवन परफॉर्मेंस ऑफ लाइन पैरामीटर जो होते हैं उनमें भी ज़्यादातर नहीं पढ़ना पड़ता और ना ही पूछता है SSC आपको, गेट के अंदर जरूर पूछता है, ESC के अंदर जरूर पूछता है वो चीज़ें। चलिए आइए मेजरमेंट के अंदर बात करूँ, बहुत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजरमेंट से बन जाता है मेंस के अंदर, प्री में तो चलिए 10-12 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, मेंस के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाट मीटर, CRO, एनर्जी मीटर फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। एनर्जी यानी मेजरमेंट तो बहुत आसान टॉपिक होता है, तो मेजरमेंट से किन किन टॉपिक को करना है, एरर एनालिसिस से क्वेश्चन कम देखने को मिला पर उसके मैथमेटिकल चीज़ें कुछ कैलकुलेट किए जाते हैं, तो एरर एनालिसिस को थियोरटिकली है, कुछ चीज़ें मैथमेटिकल है, अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं बनता तो छोड़ दिए, क्लियर ना, बहुत बच्चे उसमें गलतियां भी करते हैं। चलिए आगे बढ़िए, जैसे आप PMMC को अच्छे से पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप AD टाइप इंस्ट्रूमेंट यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से पढ़िए, इन सभी तीनों इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जो AD इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप का वाटमीटर बनता है उसको भी देखिए, यानी PMMC टाइप का जो रेंज एक्सटेंशन है या AD टाइप का रेंज एक्सटेंशन है ये जरूर देख के जाइए, यानी करंट का रेंज एक्सटेंशन और वोल्टमीटर का रेंज एक्सटेंशन, यानी करंट का तो एमीटर का रेंज एक्सटेंशन और वोल्टमीटर का रेंज एक्सटेंशन कैसे करते हैं, उस पर न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी भी पूछे जाते हैं। जब यहाँ से जब आप बाहर निकलोगे तो चलो वाटमीटर, टू वाटमीटर मेथड है ना, वाटमीटर के जो मेथड्स हमने पढ़ा है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टू वाटमीटर मेथड क्वेश्चन भी आए हुए हैं वो भी आप देखना है, एनर्जी मीटर देखिए क्रीपिंग वगैरह उसके अंदर क्या होते हैं, कंपनसेशन क्या होता है वो देख लीजिए, क्योंकि आपके पास 6 मिनट होते हैं तो 6 मिनट में आप कितना कर सकते हो ये आप पे टोटली डिपेंड आप पे करता है, क्लियर ना। उसके बाद अगर देखना है आपको तो फिर यहाँ पे जाइए CRO के अंदर चले जाइए, थोड़ा बहुत ट्रांसड्यूसर भी पढ़ लीजिएगा, ट्रांसड्यूसर हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वाले के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बट थोड़ा सा ट्रांसड्यूसर को भी आप जरूर देख लीजिए, सिग्नल जनरेटिंग क्या क्या सिस्टम होते हैं जो सिग्नल को जनरेट करता है उनके बारे में थोड़ा सा अगर हो तो डिस्कस कर लीजिए आप, ठीक है। यहाँ से अगर आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ से आगे जब बढ़ोगे
तो मेजरमेंट के अंदर और देखने को मिलेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन, पैरामीटर कैलकुलेशन, और या उससे कैलकुलेटर जैसे THD वगैरह क्या होते हैं, RMS कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आप कीजिए ताकि आपको आसानी से बन जाए, है ना। मेजरमेंट के आसान क्वेश्चन होते हैं आपके लिए। चलिए, ये तो रहा मेजरमेंट से रिलेटेड, यानी मूविंग आयरन, PMMC बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब। उसके बाद ED टाइप, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, क्लियर। फिर एरर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, CRO के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लीजिए, एनर्जी मीटर के बारे में डिस्कस करिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी मीटर में। फिर आपका मीटर कॉन्स्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्री के अंदर भी आपसे पूछा गया है जिस तरीके से मीटर कॉन्स्टेंट का। तो ये सब चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में रहे, जहन में रहे, इस तरीके से आपको करना है, क्लियर ना। और भी कुछ चीजें हो अगर इसमें तो आप देख लें, ट्रांसड्यूसर के रिगार्डिंग थोड़ा सा जरूर देखें, कम पूछता है पर ट्रांसड्यूसर के रिगार्डिंग चीजों को जरूर आप देख लें। मेजरमेंट में यूटिलाइजेशन जो चीजें हैं अगर आपसे कर पाते हो तो बहुत को यूटिलाइजेशन के बुक के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहा है, बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलता है। लाइक अर्थनिंग आप देख लीजिए, इनकैंडेसेंट लैंप वगैरह के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, अर्थनिंग के बारे में तो पूछा भी गया है, तो लैंप वगैरह के बारे में पूछ लीजिए, पढ़ लीजिए। तो अर्थिंग का हो सकता है तो मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल कराऊं, उसका मैं करा दूंगा। और इनकैंडेसेंट लैंप और पूरा इनकैंडेसेंट जो पहला ही चैप्टर है यूटिलाइजेशन का, उसका एक वीडियो भी इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा आपको, है ना, स्पेशली फॉर SSC JEE मैंने बना रखा है। तो वो चीज आप देखोगे तो एक वो टॉपिक कर लेना, एक अर्थनिंग कर लेना, और बैटरी कर सके तो आप बैटरी भी कर लेना, क्लियर ना, वो आपको हेल्प आएगा, है ना। तो यूटिलाइजेशन में ज्यादा दम नहीं है, क्लियर ना, इन चीजों में ज्यादा दम नहीं है तो इस चीज को करना है। पावर सिस्टम में एक चीज और है जो टायर 1 में और टायर 2 दोनों के अंदर आता है, वो टॉपिक है जैसे डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होते हैं, डिमांड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर क्या होते हैं, इसको थियोरटिकली भी थोड़ा भी, और उसमें क्या लिख सकते हो थियोरटिकली, और क्योंकि एक तो फॉर्मूला आप प्री में पढ़ के जाते हो टायर 1 में, लेकिन मेंस के अलग अगर बोले तो उसको 6 नंबर में कैसे ड्राइव करोगे, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, क्या होता है लोड, मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, ग्रिड से डिमांड हम पिक करते हैं तो क्या होता है, उस टाइम कनेक्टेड लोड कितने होते हैं, ये सब चीजें को थियोरटिकल अगर एक बार समझ लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा 6 नंबर में, यानी जो भी नंबर पूछता है 6 मिनट 8 मिनट उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिखने का वे क्या होगा, पहले वाले में SSC JEE में स्ट्रेटजी में पूरा चीज बताया हूँ किस तरीके से आप लिखोगे, लिखने का वे कैसा होगा, पेंसिल कैसा यूज होगा, कैलकुलेटर किस तरीके से ले जाओगे, CPWD में आप बार बार यहाँ पे कमेंट लिखते हो किस तरीके से कौन बंदे इलिजिबल होते हैं, उसके भी वीडियो बने हुए हैं, तो आप वहां से चीजों को अच्छे से देख सकते हो। तो ये टर्म रहा जो आप बार बार परेशान हो रहे हो इन चीजों के लिए, ठीक है ना, तो इनको आप अच्छे से करेंगे। आई होप अब भी कोई कंफ्यूजन अब बचा होगा तो मुझे बताएं। अब होगा कि कुछ लेक्चर में इंस्ट्रूमेंटेशन का डालूंगा इसके बाद, और जो भी पल पल की अपडेट्स होंगी वो टेक्निकल किसी भी एग्जाम के लिए वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपके लोगों के लिए, ताकि आप इससे हर चीज, टेक्निकल में ऐसे भी जॉबें कम होती हैं तो आप इससे हर चीज को अच्छे से कर सकें, क्लियर। बात रही सिविल और मैकेनिकल की, मैं कोशिश करता हूं कि उनकी कोई फैकल्टी अरेंज हो तो मैं उसको प्रोवाइड कराऊंगा। अब बात रही कि चीजें, मैं कटअप को फर्स्ट में इसलिए प्रायोरिटी नहीं दिया क्योंकि कटअप वो चीजें वायरल होते चले जाते हैं, वीडियो कटअप और फिर आप लोग उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या बोल देते हो, तो ये कटअप वाली चीजें को मैं इसलिए डिस्कस नहीं करता। अब मैं बताता हूं मेंस का फाइट कौन करेगा, यानी कितने स्कोर पे आप मेंस के लिए फाइट करने जा रहे हो ये देखिए। तो मैं एक कटअप के रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, कटअप कितना आपका सेफ स्कोर होगा और कहां तक आप SSC JEE के लिए मेंस के लिए लगना है, क्योंकि SSC JEE मेंस रिवाइज आंसर की देगा तो इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा है, तब तक आपका 29 दिसंबर का एग्जाम आ जाएगा 2018 वाला, है ना, तो आपके पास 2 महीना टाइम है। और कोई, मैं पहले भी बोला था कि किसी को 115 नंबर आ रहा है तो वो इतना होप क्यों लॉस कर रहा है, अगर वो मेंस की तैयारी थोड़ा कर भी लेगा तो क्या जाएगा उसका, उससे तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं है, आपका और बेटर होगा कि 2019 वाला जो प्री आने वाला है मार्च में, 2020 में जो होगा मार्च 2020 में एग्जाम होगा 2019 वाला पेपर का, है ना, तो वो तो उसमें आपको कहीं ना कहीं काम देगा, इसलिए आप मेंस के लिए जरूर फाइट करें। बुक्स के रिगार्डिंग भी हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। अब कटअप की जहां तक बात होती है तो मैं बताता हूं सेफ स्कोर क्या हो रहा है इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशली, अगर 120 से 125 प्लस जिसके नंबर आ रहे हैं, 120 प्लस, चूंकि तैयारी करने के हिसाब से मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा नंबर अगर आ रहे हैं 120 इसलिए ले रहा हूं यहां पे कि किसी का 120 है तो वो बार बार यहां क्लिक करेगा कि सर 118 का बताइए, 122 का बताइए, तो मैं इसको भी ले रहा हूं कि क्या हो गया भाई साहब, अगर आप एक दिन या 10 दिन आप 120 नंबर के
पोजिशन पे हो और तैयारी कर लेते हो कुछ दिन मेंस का, तो क्या दिक्कत जा रही है? क्या 2019 का आपके सामने नहीं है क्या एग्जाम? तो यहाँ पे 125 से ऊपर वाले हैं, आंख बंद करके करें। हालांकि ये कट ऑफ हो सकता है 19-20 थोड़ा नीचे जाए, क्योंकि जब रिजल्ट आया, जब एग्जाम हुआ था, तो उस टाइम पेपर थे कि बहुत दोनों शिफ्टों में पेपर बहुत आसान आए, है ना, ये भी चीजें हुई थी। पर जब रिजल्ट आया, आपको आंसर की देखने को मिला, रिजल्ट नहीं आंसर को देखने को मिला, तो बहुत गलतियां मिली बच्चों की, बहुत ज्यादा गलतियां देखने मिली। तो हम अब ये उम्मीद कर रहे हैं पहले जो हमने प्रिडिक्ट किया था उससे कुछ 5 नंबर कम भी जाए, ठीक है? तो हो सकता है कि 120 प्लस रहे। तो अब मैं बोल रहा हूँ 125 प्लस हो, पर 120 प्लस पे भी आप सेफ हैं, ताकि आप प्रिपेयर करें। मैं ये नहीं चाहता कि आप बैठ जाए निराश हो जाए। तो 120 से प्लस जिसको स्कोर है ना, वो जनरल कैटेगरी में, वो क्या करें, आप फाइट करें, यानी मेंस की तैयारी में लग जाएं। आपके पास 2 महीना से ज्यादा टाइम है नहीं, और दिवाली छुट्टी दिस दैट बहुत सारे हैं, तो उसमें भी आपका टाइम एंगेज होगा। तो जरूर है कि आप क्या करें, 120 प्लस है, 125 प्लस है, तो आंख बंद करके जनरल में लगें। ओबीसी की बात करूं तो 118 प्लस अगर आपके पास है, 118 प्लस है ओबीसी का, तो आप आंख बंद करके मेंस के लिए फाइट करें, क्लियर? 118 प्लस है। और 115 प्लस अगर है एससी एसटी का, 115 प्लस अगर एससी एसटी का देखने को मिल रहा है, या 112 प्लस लगा लो, लेकिन 115 सुटेबल रहेगा, तो इससे ऊपर है तो आप मेंस के लिए जरूर फाइट करिए, क्लियर ना? तो ये चीजें रहेंगी आपका इसके रिगार्डिंग, क्लियर? जहां तक सिविल की बात करूं तो सिविल की जो कटअप होंगी 105 जनरल के लिए, मैं बता रहा हूं 105 से ऊपर होंगी, जहां तक हमको डिस्कशन हुआ हर से 105 से आपका ऊपर ही रहेगा। ये इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल दोनों को होगा, ये जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये जो मैंने बताया है 125 प्लस, 118 प्लस, 115 प्लस अगर है इन इन कैटेगरी का, ये ओबीसी के लिए, ये एससी एसटी के लिए मैंने रखा है, है ना, इतना अगर है, क्योंकि बच्चों के मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ 500 से ज्यादा को बच्चों ने कमेंट किए हैं, उसके जब मार्क्स एनालाइज कर रहा हूँ तो इन चीजों को देखता हूँ। हालांकि होगा तो कटअप के रिलेटेड एक अलग 5 मिनट का वीडियो मैं अलग ही बना दूंगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो सिविल की अगर बात करूँ तो सिविल का जो कटअप है, चूंकि उसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो 105 से ऊपर नहीं जाएगा जनरल कैटेगरी का। और अदर कैटेगरी की बात करूँ तो 100 प्लस अगर है तो वो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ओके गाइज, और भी कोई कमेंट्स, यानी अभी कोई डिस्कशन रह गया हो या लगता हो कि कोई चीजें हो, तो आप बताइए, मैं जब भी फ्री टाइम निकालूंगा आपके लिए जरूर आऊंगा और आपको डिस्कस करूंगा इन चीजों के बारे में, एक एक चीज में डिस्कस करूंगा, क्लियर ना? आप जो कहोगे उसके तरीके से मैं करूंगा, पर आप जुड़े रहें और कंटिन्यू अध्ययन करें, कंटिन्यू मेहनत करें, और हो सकता है तो मैं जितना कोशिश करूंगा और भी लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। जहां तक मटेरियल की बात होगी, मेरी मटेरियल सारे टाइपिंग हो रहे हैं, क्लियर ना, टाइपिंग में जा रहे हैं, तो उन मटेरियल को मैं अभी बहुत सारे एरर है जिसको करेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, नहीं तो मैं उनका एक लिंक बना के इसमें देता और आप इसको पढ़ते, लेकिन वो एरर बहुत ज्यादा है तो कम। और दूसरा, टाइपिंग मेरा नहीं हो पाया है, टाइपिंग के लिए दिया हूँ काफ़ी टाइम से, उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, तो वो काम नहीं हो पा रहा है एक्चुअली, नहीं तो वो प्रोवाइड कराता सबके लिए पीडीएफ में देता हर सब्जेक्ट्स का, और हर सब्जेक्ट्स का जल्दी ही आएगा आई होप। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट्स करें। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।